आप सुन रहे हैं एपिसोड 5 ऑफ अ 12 एपिसोड सीरीज विजय माल्या, ओनली ऑन एनएस मीडिया पॉडकास्ट। हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं विजय माल्या के उन दिनों की, जब से उसने बिजनेस की दुनिया में अपने शुरुआती कदम रखे थे। 2014-15 में यूबी कंपनी में हुए 161 करोड़ के नुकसान के बाद कंपनी के इक्विटी मार्केट पर काफी बुरा असर पड़ा। आलम यह था कि कोई भी बैंक अब इस कंपनी के नाम पर पैसा उधार देने के लिए तैयार नहीं थी। विजय अपने दोस्तों के बहुत करीब थे। वो अच्छे और बुरे दोनों वक्त में अपने दोस्त के पास हमेशा जाया करते थे और उनसे अपनी सारी बातें शेयर करते थे और सलाह भी मांगते थे। इतने बड़े नुकसान के बाद विजय को लगा कि अब उन्हें किसी की जरूरत है, किसी की मदद की, किसी की सलाह की, और वो अपने दोस्त के घर गए। उस दिन विजय हमेशा की तरह खिलखिला नहीं रहे थे और ना जाने वो किन ख्यालों में गुम थे। इतना गुम कि वो अपने शराब के ग्लास में बर्फ के टुकड़े डाले जा रहे थे और जिससे ग्लास भरने के बाद अब शराब बाहर मेज पर गिरने लगी थी। विजय ने इससे पहले ऐसा बिहेव बिल्कुल नहीं किया था, बल्कि विजय हमेशा अलर्ट रहा करते थे। उस वक्त विजय के एक्सप्रेशन और उनके माथे की शिकन दिखा रही थी कि विजय कितने सदमे में है। विजय का दोस्त समझ गया था कि विजय इस वक्त काफी परेशानी में है और उन्हें परेशानी में देखकर विजय के दोस्त ने उनसे कहा, विजय शराब मेज पे गिर रही है, विजय शराब मेज पे गिर रही है, विजय तुम्हारा ध्यान कहाँ है, शराब मेज पे गिर रही है। हाँ, कहाँ कहाँ गिर रही है? तुम्हारे ग्लास से। ध्यान कहाँ है आजकल तुम्हारा? आखिर किन ख्यालों में खोए हुए हो तुम? यार कुछ नहीं, वक्त भी कितनी कमाल की चीज़ है ना, कब बदल जाए कुछ पता ही नहीं चलता। अब मेरा ही वक्त ले लो, कैसे बदल रहा है सब कुछ। सब कुछ तो यार सही चल रहा था, अब अचानक ना जाने क्या हो गया, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। क्या हुआ है खुलकर बताओ, ये पहेलियाँ बुझाना बंद करो। आज जब से तुम आए हो मुझे लग ही रहा है कुछ तो गड़बड़ है। यार तू तो जानता ही है आजकल न्यूज़ वाले क्या क्या दिखा रहे हैं यूबी कंपनी के बारे में। इस साल इतना बड़ा नुकसान होगा मैंने सोचा नहीं था, मैंने इसी कंपनी से अपना करियर शुरू किया है। पिताजी कितने विश्वास के साथ अपनी मेहनत की बनाई हुई कंपनी मेरे नाम कर गए थे। उन्हें विश्वास था कि मैं उनकी कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, पर यार ऐसा मैं कर नहीं पाया, नहीं संभाल पाया उनकी मेहनत से बनाई हुई दौलत को। देख यार, बिजनेस में अप्स एंड डाउन दोनों होते हैं। तू लकी था कि तूने अभी तक डाउन फेस नहीं देखा, बट वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता यार, सब सही होगा, जल्दी ही तू विश्वास रख। यार ऐसा वक्त आ जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था, जो बैंक कल सिर्फ मेरी कंपनी का नाम सुनकर बड़े बड़े लोन दे दिया करती थी और आज वो कंपनी के नाम सुनते ही एक भी पैसा देने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, तेरे पास तो और भी बिजनेस है, तो उन्हें संभाल और लॉस से बाहर आने की कोशिश कर, और मुझे पूरा विश्वास है कि तू ये कर लेगा, हम हैं ना तेरे साथ। थैंक यू सो मच यार, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। अच्छा अब मैं चलता हूँ। जल्दी ही BNC कंपनी भी घाटे की वजह से बिक गई और माल्या को लेबर की प्रॉब्लम होने लगी। विजय को ना ही काम और ना ही मैनेजमेंट के लिए लोग मिल रहे थे। कोई भी इस वक्त विजय की कंपनी में काम करना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको डर था कि कहीं माल्या की कंपनी डूब ना जाए, जिसके कारण कहीं उनका फ्यूचर भी उसके साथ खतरे में ना आ जाए। इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपना पैसा कंपनी में निवेश किया था वो भी कंपनी की परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। जल्दी ही ऐसी नौबत आ गई कि माल्या को अपनी कंपनी एक इंडोनेशिया कंपनी के ओनर को बेचनी पड़ी।
माल्या साम्राज्य अब धीरे धीरे घटने लगा था। धीरे धीरे माल्या की अलग अलग कंपनी कंगाली के कगार पर आकर खड़ी हो गई थी, जिसके कारण माल्या को अपनी आंखों के सामने उन्हें बेचना पड़ा। विजय हर पुरजोर कोशिश कर रहे थे अपनी कंपनी को बचाने का, मगर कहते हैं कि वक्त और किस्मत के सामने किसी के नहीं चलते, और ऐसा ही हो रहा था विजय माल्या के साथ। इतने बड़े नुकसान के बाद अगर कोई और इंसान होता तो शायद टूट जाता, और यहां तक कि बिजनेस की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देता। मगर विजय ने ऐसा ना करके एक बार फिर कोशिश की बिजनेस में वापस आने की। जल्द ही माल्या ने अपनी MCF मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स नाम की कंपनी खोल दी, और इस बार बैंक से लोन लेने के लिए माल्या ने खुद 60 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन बनाई, जिसके साथ पूरे एक घंटे का लेक्चर दिया। सभी को पता है कि माल्या पुराने खिलाड़ी थे, और उनका दाव इस बार भी सही काम कर गया। बैंक्स उनसे काफी इंप्रेस हुए और जल्द ही उन्होंने लोन सैंक्शन कर दिया। बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण है भविष्य देखने की क्षमता, क्योंकि जो भविष्य देख सकता है वो आगे बढ़ सकता है, और वही नया भविष्य भी लिख सकता है। जल्द ही माल्या को यह एहसास होने लगा कि यह बिजनेस चलाना उनके बस की बात नहीं है। वो एक लायक इंसान नहीं है केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी के लिए, क्योंकि यह बिजनेस माल्या के लिए पूरी तरह से नया था, क्योंकि ना ही इसके बारे में विजय को कोई जानकारी थी और ना ही कोई एक्सपीरियंस था। विजय माल्या इस दौरान एक और कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, जो एक ब्रिटिश कंपनी थी जिसका नाम था बर्जर पेंट्स। कंपनी भारत में अच्छा बिजनेस कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट के दबाव में कंपनी को बेहद सस्ते दामों में कौड़ियों के भाव बेचना पड़ा, और इतने सस्ते में कंपनी को बिकते देख विजय माल्या ने उसे बिना कुछ सोचे समझे खरीद लिया। विजय पेंट्स के बारे में काफी कम जानते थे, और इससे पहले कि उन्हें यहां भी नुकसान उठाना पड़ता, उससे पहले ही उन्होंने बर्जर पेंट्स को बेचना सही समझा। जल्द ही विजय ने अनाउंस किया कि वो अपनी पेंट की कंपनी को बेच रहे हैं, लेकिन उसे खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। शायद इसका कारण विजय के पुराने नुकसान थे। विजय अपनी कंपनी नुकसान के साथ नहीं बेचना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दो अनजान सिख भाइयों को, जो पहले से ही पेंट का बिजनेस करते थे, उन्हें 365 करोड़ रुपए में अपनी कंपनी बेच दी, जिसके बाद हिंदुस्तान पॉलीमार्ट, जो कभी विट्ठल माल्या की कंपनी हुआ करती थी, वो भी विजय माल्या ने कोरिया की LG कंपनी को बेच दी। विजय माल्या बेसिकली बेंगलोर के रहने वाले थे, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। तो क्या था फिर? विजय माल्या ने दो सॉफ्टवेयर कंपनी .net एंड ब्लू पर्ल इंटरनेट ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बनाई। ये दोनों कंपनी दूसरी कंपनी को PC गेम्स, कंप्यूटर्स एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सर्विसेज और कंसल्टेंसी देने का काम किया करती थीं, लेकिन ये दोनों कंपनी इनमें से कोई भी काम सही ढंग से कर ही नहीं पा रही थीं। इतने सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स और कंपनी में हाथ आजमा कर घाटा उठाने के बाद अब माल्या उस बूढ़े शेर की तरह महसूस करने लगे थे, जो बार बार भूख की मजबूरी के साथ शिकार करने के लिए ढूंढता तो जरूर था, मगर उसके हाथ में कुछ लगता नहीं। लेकिन जिंदगी भर जंगल पर राज करने वाला वही बब्बर शेर एक मजबूर असहाय बूढ़ा जानवर बनकर रह जाता है, जो अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर सकता है कि अब कोई शिकार खुद उसकी किस्मत में आगे रहे। इसी फिराक में माल्या ने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की तरफ अपना रुख किया। उसने कर्नाटक मेट्रो प्रोजेक्ट की कोशिश की, लेकिन वो प्रोजेक्ट फंड्स की कमी की वजह से बंद हो गया। गवर्नमेंट द्वारा दिए जाने वाले फंड्स विजय माल्या के फंड के एस्टिमेट के हिसाब से बहुत कम थे, जिसकी वजह से विजय को प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा। विजय समझ चुके थे कि अब वक्त की करवट बदल चुकी है, और वक्त भी अब उसकी तरफ नहीं है। विजय नुकसान पर नुकसान और हार पर हार देख रहे थे,
हर सुबह एक नई कोशिश और दिन भर के एफर्ट्स के बाद भी जहां पहले उसे मुनाफा ही मुनाफा मिलता, वहां अब या तो घाटा या फिर निराशा ही हाथ में आती। विजय अब थक चुके थे अपने ही किस्मत के सूरज को डूबता देखकर। वह परेशान होने लगे थे, मगर वो किसी को ये नजर नहीं आने देना चाहते थे कि वो जरा भी परेशान है। घाटा चाहे कितना भी हो, मगर विजय के जिंदगी में जीने का अंदाज अब भी वही पुराना और आलीशान ही था। ना तो विजय के खर्चों में कोई कमी आई थी और ना ही उसकी शान शौकत में। विजय अब भी महंगी शराब पिया करते थे और हर शाम पार्टी किया करते थे। इतने नुकसान के बाद भी विजय माल्या आए दिन आलीशान बड़ी बड़ी पार्टियां देते और उनकी पार्टियों की चमक अभी तक फीकी नहीं पड़ी थी। अब भी उनकी पार्टियों में ज़बरदस्त महंगी शराब और देश विदेशों का खाना परोसा जाता था। अभी भी विजय माल्या खूबसूरत और मशहूर हसीनाओं से घिरे रहते थे। अभी भी विजय की पार्टियों में बड़े से बड़ा स्टार शिरकत करने आता था। विजय का स्टेटस और स्टैंडर्ड अभी भी पहले ही जैसा था, एकदम आलीशान। विजय माल्या को दूसरा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बैंगलोर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का मिला, लेकिन वो भी फंड्स की कमी के कारण बंद करना पड़ा। इसके बाद भी माल्या ने यूबी माइनिंग लिमिटेड को शुरू किया, इस उम्मीद में कि गवर्नमेंट उन्हें अपने सारे प्रोजेक्ट्स देकर खुद सिर्फ कागजों में ही रहेगी। विजय माल्या अपने टेली कम्युनिकेशन का कारोबार एरिक्सन को बेचना चाहते थे, लेकिन राजीव गांधी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त LPG यानी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के नक्शे पर सरकार भारत का भविष्य देख रही थी। तो क्या राजीव गांधी की सलाह विजय माल्या के काम आई? विजय माल्या ने आगे क्या किया ये सब पता चलेगा, लेकिन अगले एपिसोड में। आप सुन रहे हैं विजय माल्या ओनली ऑन NS मीडिया पॉडकास्ट, रिटन बाय तुषारिका शर्मा, साउंड डिजाइन बाय मोहिंदर राठौर, वॉइस ओवर बाय कुशल दीक्षित। सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन गूगल पॉडकास्ट ऐप और व्हेरेवर यू लिसन टू योर पॉडकास्ट। फॉर फीडबैक मेल अस ऑन www.nsmediapodcast.com।